हेलो हाय दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार करते हैं नए दिन की नई शुरुआत। तो हम सब बढ़िया हैं, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को संकट हरण चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश जी सबके संकट हरें, सबके कष्ट दूर करें, सबके घरों में खुशहाली लाए। तो दोस्तों, आज है संकट हरण चतुर्दशी, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ जो मैं आपके संग शेयर करूँगी। अभी तो आपको पता है मैंने साड़ी वगैरह पहनी थी और मैं गई थी रामायण में, और उससे पहले कल हाँ शिवार्चन था, मैंने आपको बताया था। शिवार्चन में लगातार थकान हो रही है और एक तो है व्रत, और अभी मैं जा रही हूँ दूध तोड़ने के लिए। 108 दूध गिनूंगी मैं, और चीज़ तो मैंने एक दो दिन पहले, क्योंकि मुझे था पता कि ये चीज़ होने वाली है, इसलिए मैंने पहले ही अपनी तैयारियाँ कर ली थी जो मैं आपके संग बांटूंगी अभी, मतलब आपको दिखाऊंगी वीडियो बना के। तो दोस्तों, मैं जा रही हूँ एक पोलोथिन लेके दूध चुनने, तो बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों, मैंने आपको जैसे बताया कि आज संकट है, मैं थोड़ी देर कल रात रामायण था, रात भर उठे थे, जगे थे, मतलब हम लोग, तो उसकी वजह से थोड़ी कमजोरी जैसी होती है, मैं लेट गया, आवाज भी अट गई मेरी। तो अभी मैंने शाम की तैयारी कर ली है, व्रत की मैंने भून ली है तिल, और इनको मैं पीसूंगी, इनके मैं बनाऊंगी तिल के लड्डू, 11 लड्डू जो गणेश जी के होते हैं, 12वां जो छोटा होता है सबके लिए प्रसाद में, व्रत तो सभी प्रसाद में है, क्योंकि 11 जो होते हैं जो गणेश जी के बनेंगे। और ये रखी है मैंने बाल्टी में दूब रखा है, मैं इनको गिनती हूँ 108। तो दोस्तों, 108 मैंने दूब गिनने में दूब गिनती हूँ, तो बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों, मैंने बना दिए हैं 11 लड्डू तिल के, 12 है मतलब ये एक्स्ट्रा है 11 गणेश जी के लिए। ये मेरी 108 घी की बत्ती है, इसमें 108 तिल, 108 जौ, 108 चावल है, और 108 मैंने दूब गिन के रख दिया है, और पुए का मैंने आइटम भिगा के रखा है, और मैंने करनी है शाम को पूजा। तो दोस्तों, अभी मैं जा रही हूँ फिर से आज गंगा आरती में, क्योंकि लास्ट गंगा आरती है। कल मैंने आपको बोला था कि गंगा आरती में नहीं जाऊँगी, तो दोस्तों दिन नहीं माना, तो मैं आज भी जरूर जाऊँगी, तो बने रहे मेरे साथ में। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं मंदिर और शिव जी की हमने पूजा कर ली है, और आज आपको सोचता है जैसे कि संकट चतुर्थी है, तो हमने सोचा था देखना चाहता है, और इतना खूबसूरत नज़ारा कहीं नहीं मिलता है, एक हरिद्वार में, एक हमारे बागेश्वर में। बागेश्वर हमारा हरिद्वार से कोई कम नहीं है। तो दोस्तों, बने रहे मेरे साथ, लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा। जय श्री राधे राधे। तो हमारे भाई देखिए कितना सुंदर म्यूजिक बजा रहे हैं, क्या चीज़ है भैया? गिटार है ना, तो गिटार का कितना सुंदर म्यूजिक बजा रहे हैं, वो भी नदी के किनारे में, बहुत सुंदर लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए। तो दोस्तों, मैंने सारी पूजा की तैयारी के लिए सामग्री इकट्ठी कर ली है, और धूप और सब चीज़ आपको मतलब पुए भी मैंने बना के रख दिए, चरणा अमृत भी मैंने बना के रख दिया है, पंचामृत, चरणों का अमृत भगवान जी का, मतलब पंचामृत 5 चीज़ों से बना हुआ रहता है, उसको पंचामृत कहते हैं, नहीं तो चरणों का अमृत भगवान जी का। तो दोस्तों,
चरणामृत या पंचामृत यही बोलते हैं इसको, तो सब बना लिया। अब मैं थोड़ी देर में करूँगी पूजा, अंदर की पूजा मैं कर लेती हूँ, और बाहर जब चंद्रमा आएंगे तो बाहर की पूजा, जब चंद्रमा आएंगे तब उसके बाद से हम बाहर की पूजा करेंगे। तो दोस्तों मैंने कर दी है गणेश जी की पूजा, मैंने तिल वगैरह सब चढ़ा दिए हैं, उनमें बेलपत्र भी मुझे मिल गई थी, और मतलब मेले कोई लागे थे धूप, तो मैंने सुबह से गिन के दिखा था जो आपको मैंने सुबह तैयारी दिखाई थी। तो दोस्तों पूजा पाठ अंदर की मेरी हो चुकी है, बस मैंने अब आरती करनी है, फिर उसके बाद जब चंद्रमा आएंगे तो बाहर की पूजा भी करेंगे। तो दोस्तों देखिए मेरे ऊपर भी ऊपर स्लेप में भी बड़े गणपति हैं, तो मैंने इनकी ही पूजा करी है। हर हर धूप चढ़े गजानन हरे हरे, 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 हर हर धूप चढ़े गजानन हरे हरे। पार्वती है मैया तुम्हारी, पार्वती है मैया तुम्हारी, पिता है तेरे महे गजानन हरे हरे पिता। तो दोस्तों पूजा पाठ वगैरह मेरी हो चुकी है, बाहर की चंद्रमा की पूजा भी हमने कर ली है। 10 बजे हमने पूजा की, 10 बजे चंद्रमा दिखे तो नहीं, हल्की छाया दिख रही थी क्योंकि पेड़ वगैरह लग जाते हैं हमारे यहाँ पर से। तो अब मैं बना रही हूँ रोटी, अब हम करेंगे भोजन। तो दोस्तों मेरी सभी व्यूवर्सों के लिए गणपति जी से यही विनती है कि सबके घर में सुख समृद्धि लाए, सबको खुशहाल रखें। तो दोस्तों राधे राधे।